नहीं ठीक है करण जी बहुत ही सत्कारियों साढ़े हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी बहनों हमारे भाई, पहले तो मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा देरी हुई है, थोड़ी ज़्यादा, चलो हाथ जोड़ के माफ़ी। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे बीच आए हैं और आज इनके कार्यक्रम भी थे। पहले जब डिले हुआ तो हमने सोचा आपको एक बार मैसेज भी किया कि नहीं इसको पोस्टपोन कर देते हैं, मगर सीएम साहब का आग्रह था कि नहीं एक बार मीडिया से जरूर मिलना है अगर जलंधर आए हैं तो। सो ऐसी जलंधर की धरती माँ अन्नपूर्णा जी की और तल्लन साहिब जैसे पवित्र स्थान यहाँ पे हैं, मैं सीएम साहब का जहाँ आने पे स्वागत करता हूँ। उनके साथ पंजाब के पूर्व विधायक सीपीएस अविनाश जी, जीवन गर्ग जी, जिला के महामंत्री राजेश कपूर जी, जिला के उपाध्यक्ष अश्विनी भंडारी जी। समय देरी बहुत हो गई है, मैं सीधा सीएम साहब से बात कहूंगा कि वो अपनी बात आपसे रखें। नमस्कार। पंजाब हमारे अपने वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती और कई कई कारणों से पंजाब की महत्ता दुनिया भर में और ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए तो मुकुटमणि की तरह है। हरित क्रांति में भी जिसने अपना विशेष स्थान बनाया और अपने धर्म के लिए बलिदान के बड़े से बड़े उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, वो हमारे पंजाब से आते हैं। पूरा देश जिस पे नाज करता है, मैं ऐसे सभी पंजाब के वासियों को आपके माध्यम से चुनाव की बेला में आज मैं आया हूँ और चुनाव का भी आखिरी चरण है। मैं हमारे अपने प्रदेश में चार चरण से, यद्यपि आप जानते हैं कि ये सात चरण का चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंचा है। मुख्यमंत्री होने के नाते से मेरा चार चरण तक तो अपने राज्य में दौरा का और वहाँ का ध्यान रखते रखते बैलेंस किया, कुछ कुछ जगह फिर भी आने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के आह्वान को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाने का हमारा सबका सीना और चौड़ा हो जाता है जब ये देखते हैं कि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर वो सब किया जिसको वर्षों वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, और ऐसे असंभव काम भी जिन कामों के बलबूते पर हरेक की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति हुई है। आपने सबने भी देखा होगा जीवन के सब क्षेत्रों में 10 साल का समय बहुत कम होता है। 70-75 साल के दरमियान हुए कामों को 10 साल के अंदर करके दिखा देना, ये कोई कर सकता तो एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। कितना अच्छा लगता है जब करतारपुर साहिब का गलियारे का लोकार्पण हुआ, हम सब जानते हैं ये इतिहास की गलती थी। जब देश का बंटवारा हुआ ये उसी समय इस पर ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर ध्यान नहीं गया। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से वीर बाल दिवस का उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी के साजाद जो जिसने अपने बलिदान दिए, उनके बलिदान से बढ़कर के कौन सा बाल दिवस हो सकता है। वीर बाल दिवस सच्चे अर्थों में इसी पे शोभावान होता जिसको हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। एक हो वो दो हो, किस किस कितने प्रकार की चिंता माननीय मोदी जी की सरकार में हुई है, अतीत की गलतियों से दुरुस्त करते हुए धारा 370 के माध्यम से कई हमारे यहाँ के सेना के जवान, शिक्षा सशस्त्र बल के जवान, पुलिस के जवान, आतंकवाद की घटनाओं से कितने कितने परिवार उजड़े हैं।
लेकिन अपनी देश के अंदर के दुश्मनों से भी निपटना और देश के बाहर उनके देश के घर में घुस कर के मारने का भी जो हिम्मत माननीय मोदी जी ने दिखाई है, इसी कारण से दुनिया का तीसरा देश भारत बन गया। जो अमेरिका, इसराइल और तीसरा देश अपना भारत, जो अपने दुश्मनों से दुश्मनों की तरह निपटने में उनके देश की सीमा में घुस करके भी सक्षमता से निपटता है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये दुनिया का आश्चर्य है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार का वातावरण बना है, कोई एक क्षेत्रों में ने जैसे पहले कहा है और हम सब देख रहे हैं, यही कारण है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से मोदीमय देश का वातावरण बना हुआ है और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से आखिरी चरण में हम पहुंच रहे हैं, जैसा आपने सब कहा कि ये एक ऐसी सरकार भी रही है दो टेन्योर के अंदर जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी इस ढंग से स्थापित की है कि जो कहती है वो करके दिखाती है, और इसी कारण से जनता का भरोसा भी सरकारों पे बना है और सबका साथ सबका विकास केवल कहने के लिए नहीं कहती है, कह कर दिखा करके सामने लाकर उदाहरण भी पेश की। उसी का उदाहरण एक मैं स्वयं भी हूँ, जिसके लिए कहा गया, माननीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए साथ देना चाहिए। राजा महाराजाओं का शासनकाल चला गया, दुर्भाग्य से 47 में 600 से ज़्यादा रियासतों ने अपना अपना समर्पण इस लोकतंत्र के लिए, जनता के राज के लिए किया था, लेकिन काल के प्रवाह में 20-25 परिवारों ने अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी परिवार की पकड़ बना करके पीढ़ियों से वो राज करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे कई चुनौतियों पे, कई मोर्चों पे माननीय मोदी जी ने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए, जिसके माध्यम से हमको अपने वर्तमान के मोदी जी के शासनकाल पे भी गर्व हो सकता है और लोकतंत्र में भी हम अपने दुनिया के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश करते हैं, जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे युवा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आज झारखंड में आज दो सभा, दुमका और एक राजमहल सीट पर लौट कर आया हूं और बाद में अभी जालंधर से होते हुए अमृतसर जाने वाला हूं, लेकिन लगातार 200 से ज़्यादा सभाएं मैंने की है, अलग अलग रोड शो में भी शामिल हुआ हूं, और जिस प्रकार से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 15 से ज़्यादा राज्यों में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने कहा है, माननीय मोदी जी ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार 400 पार। अब ये अलग बात है कि कहने वाले कहते हैं कि भैया आप 400 पार की बात कैसे कह सकते, तो हम कहते हैं आप 500 कह दो, आपको कौन रोक रहा है, आप में तो दम है नहीं, हम में तो हमने कहा है और करके दिखाया है कि हमने पहले कहा है कि हम 272 अर्थात पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो पूर्ण बहुमत की अपनी सत्ता से सरकार चलाने का मादा दिखाया, यद्यपि पूर्ववर्ती माननीय श्रीमान भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार बनाई थी, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उनने कई दलों को मिला के सरकार बनाकर चलाई थी, और उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार तो 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो एक ऐसी घटना थी, अदरवाइज लंबे समय तक देश ने बहुदलीय प्रणाली एक तरह से अडॉप्ट कर ली थी, और बहुदल प्रणाली की जो कठिनाइयाँ वो देश ने भोगी है, अलग अलग दल जब मिलते हैं तो अलग अलग एजेंडा चलाते हैं, और ऐसे में एक दल की सरकार के आह्वान का न केवल माननीय मोदी जी की बात का वजन हुआ है बल्कि सरकार बना के चला के दिखाई भी है। दूसरी बार का आपकी बार 300 पार हमने सब ने देखा कि दूसरी बार जो बात कही है वो हमारे सबके सामने सिद्ध होकर दिखाई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बड़ा आंकड़ा रखना चाहिए, तो हमने कहा अब की बार 400 पार, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ छठे राउंड के बाद, आज के इस दौर में जब छठा राउंड के बाद सातवें राउंड में 3 दिन का ही समय है, ऐसे में 1 तारीख के दिन निश्चित तौर पे हमने भाजपा के बलबूते पे 300 से बाहर ज़्यादा और NDA पूरा कुल मिलाकर के 400 से पार जाने वाला है। अब ये स्पष्ट रूप से दीवारों पर लिखी हुई इबारत की तरह दिखाई दे रही है, आँखें हो तो दिखेगी अन्यथा नहीं दिखेगी, और ये चुनाव भी ऐसा अपने आप में चुनौती वाला भी रहा है, और कांग्रेस के लिए शुरू से, कांग्रेस और उनके साथ वालों के लिए उनके हौसले पस्त दिखाई दिए। मैं आपको, आप भी देख रहे होंगे, हमने भी देखा है
कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 80 सीट है, जिस सीट पर केवल एक जगह जिसको 2019 में विजय मिली थी, दूसरी बार उनकी अपने स्वयं की मम्मी श्रीमती सोनिया गांधी ने उस सीट से भी लड़ने का मना कर दिया। ये मोदी वे उस बता रही थी जिसके आधार पर कांग्रेस ने मैदान छोड़ा और चले तो केरल से भाई बहन दोनों लड़ने, अमेठी और रायबरेली, लेकिन आते आते फिर एक बहन को भी हटा करके मम्मी की सीट पर, क्योंकि पहले अपनी सीट गंवा दी, अब मम्मी की सीट पर राहुल गांधी गए। तो ये अपनी अपनी टीम का एक तरह से मनोबल गिराने वाली घटनाएं होती है। राजनीति के जानकार इस चीज़ को आराम से देखते हैं और ये उदाहरण के रूप में सामने आते हैं कि एक तरफ मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो गुजरात से चल करके समाजवादी पार्टी के गढ़ में आकर के बनारस से उनने ताल ठोकी और चुनाव लड़के दिखाया, और दूसरी तरफ जिनसे मुकाबला उनका हो रहा है वो लड़ने के पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं। अपनी इस प्रकार की घटनाओं से लोकतंत्र में हार जीत तो चलती है, लेकिन अपनी अपनी टीम का मनोबल बनाए रखना ये भी आवश्यकता होती। ऐसे में बगैर मनोबल के कोई कैसे चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है। और हमने लोकतंत्र का ये तमाशा भी देखा है वर्तमान में कि एक संविधान लिखने वाले की भी आत्मा रोई होगी कि जब मुख्यमंत्री होकर के भी कोई कैसे जेल में जाने के बाद पद से चिपका रह सकता है। ये उदाहरण भी अपने लिए बड़ा कष्टकारी भी है, और ऐसे कई सारे उथल पुथल से ये चुनाव के दौर से गुजरे हैं, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है लोकतंत्र में अब रिजल्ट पे ही सबकी निगाह टिकेगी और रिजल्ट निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला होगा। इस नाते से मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे अपने 1 तारीख के चुनाव में आप और हम सब मिल करके फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनता से मैं अपील करूँगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यही बात करने के लिए आपके बीच में आया भी था। और जैसा मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी कहती है तो करके दिखाती है, मेरे स्वयं के उदाहरण से भी ये ध्यान में आएगा। मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कभी कोई मंत्री नहीं रहा है, लेकिन परमात्मा ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अपने दल के माध्यम से मुझे आज बड़े राज्य का मुख्यमंत्री का जवाबदारी भी अगर मिली है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी करके दिखा सकती है। ये उदाहरण सबके सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने इस पवित्र धरती पर मेरी बात आपके माध्यम से नीचे तक संप्रेषित होगी, और नीचे तक हम अपनी बात कहने का लोकतंत्र का तरीका भी यही होता है कि हम अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहे, और फैसला जनता पे छोड़ें, और जनता के लिए गए निर्णय के आधार पर सत्ता का यहाँ जो हस्तांतरण होता है या सत्ता का गठन होता है, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार उनने 20 से ज़्यादा देश के लोगों को भी बुलाया है कि हाँ, हमारे अपने प्रदेश देश के अंदर चलने वाले इस लोकतंत्र के महासमर को भी देखें, चुनाव को नज़दीक से देखें, ताकि भारत के लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था और बढ़े और दुनिया में उसका मान सम्मान स्थापित हो। मोहन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने संविधान बदलना है। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात तो हम सब जानते हैं, कांग्रेस शुरू से डरा करके अपनी बात बताते वो केवल माहौल गंदा करना जानते हैं। आप बताइए 2019 में 300 से ज़्यादा सीट, 303 तो हम जीते हुए थे, और सभी को मिला के 400 सीट से 505 साल की सरकार चली, कहाँ संविधान खतरे में, क्या बिगड़ गया किसी का? कांग्रेस केवल डराने की राजनीति करती और सब जनता जानती, इस सारी पोल खुल चुकी। मैंने फिर आपको पहले ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी थे पहले भी, 2019 में भी और 2014 में भी थे। याद करो, दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और हमने दोनों बार सातों की सातों सीटें दिल्ली में उनके नीचे से जीती, उनकी आंख के नीचे वो एक सीट नहीं जीत पाए। तो ये उनकी अंदर की ताकत है, जो अंदर से पोले हैं, खोखले हैं, वो दूसरों से क्या बात करेंगे। और उसी प्रकार से उनके साथ वाले भी जानते हैं कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो वो केवल भ्रम की राजनीति लाना चाहते हैं। और जनता, मैंने कहा कि एक बार नहीं, दो दो बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सिद्ध किया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एक बार 272 से बढ़ करके पूर्ण बहुमत, दूसरी बार 300 पार और इस बार 400 पार। एक 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 पता नहीं चलेगा, एक कहोगे दूसरे को ले लें दो। अलका लांबा जी आए थे जलंधर,
कौन अलका लांबा जो कि कांग्रेस के है ना, तो आज तक उन्होंने कहा कि मणिपुर जो है जल रहा है, अब तक भी वहां की घटनाएं हो रही है, मोदी जी जो अपना सीना है वहां पर नहीं दिखा। पंजाब से ज्यादा कौन जानता है कि आग लगाने वाले कौन से दल के लोग है और उनने इस देश को क्या दिया है। कांग्रेस का अतीत इतना काला रहा है, वो दूसरे से कहाँ बात करे। पूरा देश आज ये उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो मैंने फिर कहा है, कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छिपा करके दूसरे पे ऊपर माहौल बदलने के लिए झूठ बोलने का एक शस्त्र लेके चलते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जितना अच्छा शासनकाल अभी चल रहा है, इतना तो कभी चला ही नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों की निगाह खराब है। ये फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करते हैं, इसलिए इनसे इनकी जनता भी जानती है और माननीय मोदी जी भी इनसे निपटना जानते हैं, उनकी सरकार सक्षम है। अब इनके प्रश्न होगा दूसरे को लेने, एक मेरा निवेदन है, बाकी का नंबर आ जाएगा। एक मिनट, एक 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 ले लो ना। अरे एक मिनट, जरा उधर बोल रहे, इधर बोल रहे, कोई एक बोले बता। एक मिनट, इधर बोल रहे कोई, पहले बताओ आप, एक में से कोई इधर आ जाओ ना, इसको मेंटेन करने वाले के कोई बोलेगा। अब इधर बोल रहे थे, क्या कर रहे हैं शुक्ला जी, आज लगे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो बोल रहे हैं कि श्री राम मंदिर का काम अभी अधूरा है, तो जब हमारी हम जीतेंगे तो राम मंदिर का काम पूरा करवाएंगे। मोदी सरकार जो है वोट पाने की चाह में ऐसे बोल रही है, उद्घाटन कर दिया। देखिए दुनिया हंसेगी इस बात पे। भगवान राम के प्रमाण जो मांगते थे, और ये कपिल सिब्बल से लेकर के सारे सीनियर कांग्रेस के नेताओं ने शपथ पत्र में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मंदिर में भगवान राम कहाँ पैदा हुए प्रमाण चाहिए। हमारे पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने राम सेतु के तोड़ने का निर्देश दिया था, रामेश्वरम से लंका के बीच का, जो वो समय का प्रमाण मिटाना चाहते थे। वो तो देश की जनता खड़ी हुई और उसको बचाया है। तो राम मंदिर पे तो ये जो भी बोलेंगे जनता इन पे हंसेगी, जनता कोई भरोसा नहीं करेगी। अब मेरे को संकट हो जाएगा, मैं देखूं किसकी तरफ। आपको पंजाब में हर गांव में बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है, आपके किसने पंजाब में लोगों से गांव वालों से तालमेल बन नहीं रहा, उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके तालमेल? आप मेरे से बोल रहे हैं, आप पार्टी के लिए बोल रहे हैं? पार्टी का पंजाब में गांव में तालमेल बिल्कुल बन नहीं, ये एक थोड़ा सा संकट रहता है, इसलिए मैं वैसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं, मेरा ऐसा कहना, भारतीय जनता पार्टी बोलिए, मैं जरूर जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पूरे देश में जहां जहां चुनाव लड़ रही है, हमारी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत अपने विचारों का संप्रेषित कर रही है, और मोदी जी का काम का इतना बड़ा आधार है कि जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, और निश्चित रूप से हम 400 पार जाएंगे। अब मेरा ऐसा कहना, एक मेरा एक सर दूसरी बात ना बयान बताओ, डराने की राजनीति। हाँ अरे उल्टा उल्टा एक मिनट, कांग्रेस का अतीत बताता हूँ। कांग्रेस ने इस देश के साथ जितना अन्याय किया है, संविधान की बात करते हैं तो शुरू करते हैं 1950 में संविधान लागू हुआ, और 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन किया है, 19 बार इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान संशोधित हुआ है, 31 बार बात की सरकार उनकी राजीव गांधी से लेकर के बाकी लोगों ने, सब मिला के 100 बार संविधान का संशोधन उनने कराया। संविधान की आत्मा वो मार रहे हैं, आपातकाल लगा करके पूरा संविधान एक तरफ पटक दिया, ये पाप उनका है। ये वो डराने की बात नहीं कहा, इसी प्रकार से आरक्षण के मसले पर भी जितना कांग्रेस ने जनता को गुमराह किया, ये बताइए काका कालेलकर की रिपोर्ट कब आई थी? ओबीसी आरक्षण के लिए कब से आना चाहिए था? मेरा उनका कहने का सवाल, आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप प्रति प्रश्न बाद में कर लेना, मेरा जवाब ले लीजिए। तो जिस प्रकार से हमने एक एक चीज का जवाब दे करके जनता के सामने अपनी बात रखी, 50% वैसा का वैसा आरक्षण रहा, और सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण,
किसने दिया, ये हमने दिया। तो ये कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए उनको बोलते नहीं बन रहा है, इसलिए वो कुछ भी बोले जनता भरोसा नहीं कर रही है। और इसीलिए हमने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अब छः चरण पूरे होगा, सातवां बचा है, इसलिए अब वो दाएं बाएं अब नाटक चालू कर दिया, ईवीएम खराब है, चुनाव की स्थिति खराब है, ये क्या कर रहे हैं, मिलीजुली भगत है, ये सारे बहाने आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से लिख के दे सकता हूँ कि 4 तारीख बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाएंगे, 1-2 तारीख से कृष्ण यात्रा जेल यात्रा जाने वाले हैं, उनके लिए कोर्ट का रास्ता खुला हो गया है, ऐसे कई सारे मार्ग ऐसे खुल रहे हैं जिनके आधार पर वो जाएंगे। अब यार मेरा कह रहा अपन बात बाद में कर लेंगे, आप क्वेश्चन आंसर करो थोड़ा सा। देखिए किसानों के लिए माननीय मोदी जी के द्वारा जो काम किया है ये भूतो न भविष्यति। 6,000 रुपया प्रति किसान खाते में डलवाना, ये किसान का जो सीमा पे जवान है उसी तरह का सम्मान माननीय मोदी जी ने किया है, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। ऐसे कई मामले आएंगे, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि आज ये सफिशियंट मुद्दे हुए, अब मेरी अपनी यही तो आप डिसाइड करो आखिरी कौन सा है, आखिरी किसका है, आखिरी किसका है, आप डिसाइड करो। देखिए वो क्या कहते मालूम नहीं, लेकिन आज देश के लिए सीमाओं पे जवानों के लिए प्रत्येक साल बगैर छुट्टी मनाए, हर दिवाली पे अगर सेना के साथ जाके खड़े होते हैं तो देश की सेना का सम्मान भी है। उसी प्रकार से जितने राफेल से लगा करके जितने नवीनतम हथियार दे करके सेना का मनोबल बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इतना तो किसी ने किए ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इसी दक्षता के बलबूते पर दुनिया में हथियार निर्यातक के रूप में देश स्थापित हुआ है। वो गया जमाना जब हमारे देश के नेता जाते थे विदेश से, हथियार भी मांग के लाते थे, कर्जा मांग के लाते थे, और देश की अर्थव्यवस्था पर सबका बोझ पड़ता था। हमारे लिए आज बदलता दौर है, अपना देश भी सुरक्षित है, और कोविड के समय लोगों की जान बचाने के लिए हमने जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर लोगों को दवाई देकर भी उनको सुरक्षित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की।